हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दुलार चंदा, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। दोस्तों, मोटिवेशनल वीडियो बनाने का जो सीरीज है, इसमें ये आवश्यक वीडियो है, बहुत ही आवश्यक वीडियो है आप लोगों के लिए, तो आप इसको जरूर से जरूर पूरा देखें। और दोस्तों, मैंने जो वीडियो आप लोगों को मोटिवेशनल वीडियो जो दिया है, उसमें आप लोगों को ड्रीम के बारे में जो बताया था कि आप लोगों के पास एक रीजन होना चाहिए और एक पक्का ड्रीम होना चाहिए। इसके अलावा एक दूसरा वीडियो जो दिया था सीखने के विषय में, तो आप लोग किस प्रकार से सीख सकते हैं, ये बहुत ही दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था। तो आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां जाकर जरूर देख लीजिएगा। और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए दोस्तों, दो चीज़, वैसे तो कई चीज़ें महत्वपूर्ण है, लेकिन दो चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वो दो चीज़ें हैं, पहला है नॉलेज, आपके पास बढ़िया नॉलेज होना चाहिए, और दूसरा है आप उस पर खुद खूब मेहनत करें। आप जो है आप ईमानदारी पूर्वक इतनी ज़्यादा मेहनत करें कि आपके मेहनत से आप तो सक्सेस होंगे ही, आपके आसपास के लोग देख के आपको देख के मोटिवेट हो जाए और उन लोग आपके जैसा मेहनत करने के लिए सोचने लगे और मेहनत करने लगे। तो इसी के विषय में आज मैं मेहनत करने के विषय में बात करूंगा, इससे संबंधित बातें करूंगा। इस पर कई एग्जाम्पल्स, लाइव एग्जाम्पल्स जो मैंने आंखों से देखा है, वैसी चीज़ें बतलाऊंगा। तो आइए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बात करने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी है, बहुत मजेदार स्टोरी है, आपको सुनने में भी मजा आएगा, इसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, आप इसको सुन के मेरी बातों को ज्यादा बेहतर समझ सकेंगे। ये एग्जांपल के रूप में है। क्या होता है कि एक अमेरिकन व्यक्ति जो रहता है, वो अमेरिका से आता है अपने दोस्त के पास, इंडिया में उसका कोई आदमी दोस्त बन जाता है, उसके पास आता है। और आने के बाद वो बोलता है कि हम सुना है कि इंडिया गांवों का देश है, तुम हमको अपना गांव नहीं दिखाएगा। अपने दोस्त को बोलता है कि क्या तुम हमको अपना गांव नहीं दिखाएगा। तो उसका दोस्त जो रहता है, इंडियन व्यक्ति जो रहता है, वो बोलता है कि खाना पीना खा लेते हैं, उसके बाद आराम से गांव घूमकर देखेंगे। तो वो फिर दोनों जो है खाना पीना खा लेते हैं, उसके बाद वो उन लोग उसको ले जाता है, मतलब घुमाने के लिए पूरा गांव घुमाता है, इधर उधर पूरा गांव घुमा के ले आता है, 2-3 घंटा जितना भी समय लगता है, उसके बाद वो लोग रिटर्न आते हैं। अब जो अमेरिकन व्यक्ति जो रहता है, वो क्या बोल रहा है कि सचमुच इंडिया में भगवान होता है, इस तरह से बोल रहा है। तो इंडियन जो व्यक्ति था वो बोल रहा है कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। तो अमेरिकन व्यक्ति बतला रहा है कि हम देखा पूरा गांव में सब लोग बैठकर ताश खेलता है, फिर भी सबका घर चल रहा है, इसका मतलब है कि सचमुच इंडिया में भगवान है। तो ये बहुत ही मजेदार यहाँ पे कहानी का बतलाने का मतलब यह है कि ज्यादातर लोग आज भी हम लोग देखते हैं गांव में बहुत सारे लोग बैठकर ताश खेलते रहते हैं और कुछ करते रहते हैं, अपना समय इस प्रकार से बिताते हैं। तो रियलिटी है, आप लोग जो लोग गांव में रहते होंगे वो लोग देखे होंगे, मैं खुद गांव में रहता हूँ, कभी ऐसा मौका आएगा तो मैं अपने गाँव का मंजर दृश्य मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और उम्मीद करता हूँ कि वो मौका आएगा। तो इस तरह का जो होता है गाँव में, कई सारे लोग, जैसा मैं समझता हूँ कि वहाँ पे 4-5 लोग से ज़्यादा लोग नहीं खेलते होंगे, लेकिन देखने वाले चारों जो होते हैं, चारों तरफ जो घिरे रहते हैं, वो 10-12-15 घिरे रहते हैं और वो लोग इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, अरे ये करो, उसको मारो, इधर करो, इस तरह से, पता नहीं अब तो वही लोग जानते होंगे, इस तरह से अपने समय को बर्बाद करते हैं। पता नहीं इसके पीछे क्या रीज़न है, वो मेहनत नहीं करना चाहते या क्या है, अब तो वही लोग जानेंगे। तो वैसा उस तरह का हमें समय बर्बाद नहीं करना है, हमें अपना काम करना है, मेहनत करना है। दोस्तों, हमें किसी भी तरह से अपना समय जो है बर्बाद किए बगैर अपने काम में समय लगाना है, मेहनत करना है। आप सीधे शब्दों में जान लीजिए कि बिना मेहनत किए कोई भी काम आज तक ना हुआ है और ना ही कभी होगा। हमें यह जीवन मिला है काम करने के लिए, आराम करने के लिए नहीं। वैसे भी कहा गया है नो पेन नो गेन, बिना कष्ट किए कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसीलिए हम लोग ऐसा अगर सोच लेते हैं कि मेहनत किसी तरह से ना करें, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिस काम को दिया जाता है उसमें मेहनत करने में जी चुराते हैं, पूरी तरह से वो अपनी लगन पूरी मेहनत से उस काम को नहीं करते हैं। दोस्तों, मेरा ये चैनल एजुकेशनल चैनल है और मैं कई चैप्टर बाय चैप्टर स्टडी कहानियां पढ़ाता रहता हूं, और उस कहानी में मैंने एक कहानी पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ था एक लड़का जो है एक साधु के पास जाता है और उससे पूछता है अमीर बनने का रास्ता। तो वो साधु बतलाता है कि अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है अपने लाइफ में, इसको आप अपने अंदर उतार लीजिए, अपने मन में उतार लीजिए कि
सक्सेस होने का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। अगर शॉर्टकट अपनाते हैं तो वो गलत तरीका होगा, इनलीगल तरीका होगा। किसी भी हाल में मैं आपको इनलीगल तरीका अपनाने का निर्देश बिल्कुल भी नहीं दे सकता। आप उस आदत से बचे, वरना आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। और आप प्रॉब्लम में फंसते हैं इसका मतलब है कि आपकी पूरी फैमिली प्रॉब्लम में फंस जाती है, जिससे कि सिर्फ आपका ही नहीं, पूरा खानदान जो होता है, जो बोलते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी उतना कई सारा नुकसान होता है। तो कभी भी इनलीगल रास्ता के बारे में नहीं सोचना आपको। कई लोग होते हैं जो सोचते हैं कि मेरे पास तो टैलेंट नहीं है। अगर टैलेंट की मैं बात करूं तो टैलेंट उतना मायने नहीं रखता, ये मैंने लाइव एग्जांपल देखा है। मैं बतलाता हूं कि एक मेरा दोस्त था, वो बोर्ड परीक्षा एग्जाम तैयारी कर रहा था और मैं उसमें बोर्ड परीक्षा पास कर चुका था। तो मैं उसको जाता था मदद करने के लिए। तो जब वो पढ़ाई करता था और मैं देखता था उसको, तो मुझे लगता था कि पता नहीं ये पास करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर उस तरह की क्वालिटी, उतना टैलेंटेड नहीं था। लेकिन हाँ, एक चीज उसके अंदर बहुत अच्छा था और वो ये था कि वो बहुत ज्यादा मेहनती था। उसके मेहनत के सामने हम लोग, मैं तो शायद कुछ नहीं था, इसलिए वो बहुत ज्यादा मेहनती था। लेकिन मैं समझता था कि टैलेंट नहीं है तो कैसे क्या होगा। फिर क्या हुआ कि जब वो तैयारी करने लगा तो मुझे लगा कि वो तो फिर फेल होगा, क्योंकि पिछला साल वो फेल हो चुका था और मुझे लगा कि फिर से फेल होगा। मैं यही सोच ही रहा था कि वो अपना तैयारी करके एग्जाम दे दिया। उसके बाद उसका रिजल्ट आया और रिजल्ट जब मैंने सुना, मुझे यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये रियलिटी था। उसके पास टैलेंट नहीं था, लेकिन फिर भी वो फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ, मुझसे अच्छा नंबर से पास हुआ। और उस दिन से मैं जान गया, उस दिन से मुझे पता चल गया कि टैलेंट को मात दे सकता है मेहनत। ये बिल्कुल रियलिटी मेरे आंखों के सामने बीता हुआ है। मैंने आपको पहले ही एक मोटिवेशनल वीडियो, जो फर्स्ट वीडियो मैंने डाला था, उसी में बताया था कि मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल्स दूंगा जो लाइव है, जो आपके सामने घटता है, जो आपके आसपास में घटता है। मैं जिन चीजों को आंखों से देख चुका हूं, उस तरह का एग्जांपल मैं आप लोगों को दूंगा। और ये रियलिटी है, आप कभी भी आजमा लीजिएगा। टैलेंट से ज्यादा मायने रखता है आपका मेहनत, इसीलिए आप टैलेंट पे मत जाइए, मेहनत पे जाइए। टैलेंट ठीक है, जिसके पास है वो ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, जिसके पास टैलेंट है और वो मेहनती नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ पाता। ऐसा भी मैंने देखा, उसका एग्जाम्पल मैं देखा हूं, लेकिन मैं बतला नहीं सकता। एक्चुअली क्या है कि वैसे लोग मेरे रिलेशन में है, इसीलिए मैं अगर किसी का नाम लेता हूं तो हो सकता है कि वो लोग मेरे वीडियो देखेंगे तो उनको बुरा लगेगा, इसीलिए मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। अंतिम शब्दों में मैं यही कहूंगा कि मेहनत से आप जी मत चुराइए। यही वो चीज है जो आपके किस्मत का ताला खोलता है। कहते हैं ना कि वो बहुत किस्मत वाला था, वो बहुत उसका किस्मत अच्छा था। एक्चुअली रियलिटी ये नहीं है कि उसका किस्मत अच्छा था, उसके पीछे उसने कितना मेहनत किया था वो चीज हम लोग कभी नहीं देखते हैं। उसके पीछे उसने कितना कष्ट सहा था, कितना दर्द सहा था, उन चीजों को हम नहीं जानते, क्योंकि वो चीज दिखाई नहीं देती ना। जब वो लोग सक्सेस हो जाते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, उसका किस्मत अच्छा था। अरे वो तो उसका किस्मत अच्छा था कि उसको नौकरी मिल गया या वो बिजनेस में सक्सेस कर गया। ऐसा नहीं होता। रियलिटी ये नहीं है, रियलिटी है उसके पीछे मेहनत, उसके पीछे त्याग, उसके पीछे बलिदान। उसने जो कुछ भी किया है वो चीज़ कभी किसी को दिखता नहीं। लेकिन मैं आज समझता हूँ, आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं सक्सेसफुल तो ऐसा सक्सेसफुल लाइफ नहीं मेरा हुआ है, मैं सक्सेसफुल उतना नहीं हूँ, लेकिन एक्सपीरियंस मुझे मिलता जा रहा है कि रियलिटी वो नहीं होता जो हम लोगों को दिखाई देता है, उसके पीछे छुपा हुआ है। इसीलिए आप मेहनत कीजिए, हम मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, इस तरह से उसका रिजल्ट मिलेगा। वैसे भी कहा गया है कि मेहनत वो कुंजी है, वो चाबी है जो आपके किस्मत का ताला खोलता है। बिल्कुल ये सही बात है। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरे वीडियो से मोटिवेशन मिलता होगा। अगर थोड़ा भी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों को, थोड़ा भी मदद मिलता है आपको, कॉन्फिडेंस मिलता है, तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए आगे बढ़ने के लिए। अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो आप लोगों के लिए इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आऊंगा। और फिर से मैं आप लोगों के साथ एक नए मोटिवेशनल वीडियो में नजर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।